अलविश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, अलविश यादव अरेस्ट हो गए, अलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए अलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो। जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना अलविश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, अलविश यादव अरेस्ट हो गए, अलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए अलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो। तो पहली बार सफाई यहां पर दी है अलविश यादव ने, और एक के बाद एक उनके कई वीडियो से हमने आए, यहां तक कि जी न्यूज से बातचीत में भी अलविश यादव ने साफ कहा कि वो बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है और उनका इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बातें यहां पर अलविश यादव ने जी मीडिया से कही है। उन्होंने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी आरोपी को नहीं जानते। जी न्यूज से बातचीत में अलविश यादव ने बयान दिया कि वो बेकसूर है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अलविश यादव ने जो बयान यहां पर दिया है, और ये वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर उन्होंने जारी किया है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा कि मैं बेकसूर हूं, मुझे बदनाम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो किसी को भी नहीं जानते। जिस राहुल की, जिस एजेंट की बात यहां पर की जा रही है, उन्होंने उसको लेकर भी ये बयान दिया कि वो उसे भी नहीं जानते, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में जो गंभीर आरोप उन पर लगे हैं वो सब गलत है।